नमस्कार, स्वागत है आप सभी का INA न्यूज टीवी में। मैं हूं आपके साथ नीलम्मा। ही रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सईद सुल्तान, आप देख रहे हैं INA न्यूज टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजस्थान के अजमेर शरीफ में। अजमेर शरीफ जो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, यहाँ पे बिल्कुल दरगाह के स्थित में कैमरामैन से कहना चाहूँगा दरगाह की तरफ कैमरे का रुख करें। ये मेन दरवाज़ा है दरगाह का और यहाँ पे ये ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह। यहाँ पे काफ़ी लोग जायरीन आते हैं, रोज़ पर्यटक आते हैं और अपनी अपनी फरियादें लेकर के अपनी तमन्नाएँ और मुरादें मांगते हैं, उनकी पूरी भी होती है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा भाई। मोहम्मद उबैद। कहाँ से हैं? यूपी से। तो कब से आते हैं यहाँ पे? यहाँ पर मैं दूसरी बार आया हूँ। दूसरी बार आया हूँ। कैसा फील करते हैं आने के बाद? यहाँ पर आके सुकून सा मिलता है ना, अच्छा लगता है यहाँ पर। आप भैया, आपका नाम जानना चाहूँगा, आगे आगे थोड़ा। शहबाज खान। शहबाज खान जी, तो शहबाज जी ये बताइए कहाँ रहते हैं आप? हैदराबाद, तेलंगाना। तेलंगाना में। अच्छा, तो यहाँ पे जो है हमेशा आते रहते हैं आप? हाँ, हमेशा 12-15 साल से आ रहा हूँ। कितने लोग आते हैं अपने यहाँ पे? मैं कभी भी आता फैमिली के साथ आता हूँ, 7-8 लोग आते हैं हम लोग दोस्त वगैरह। मनीष सोनी। कहाँ से हैं? धनबाद, झारखंड। झारखंड से हैं? अच्छा, तो झारखंड से हैं आप। तो कितने लोग आते हैं यहाँ पे लगभग हफ्ते में? एक आते हैं। नहीं, हफ्ते में कितने लोग आ जाते हैं यहाँ पे आपके यहाँ पे? इसकी जानकारी हम एक बार आते हैं जुलाई में आते हैं। अच्छा, तो कैसा लगता है यहाँ आने के बाद? कितने जायरीन और भी काफ़ी लोग होंगे जो यहाँ से बैठ होंगे? मुराद पूरा होता है। अच्छा, आपका नाम जानना चाहूँगा? मोहम्मद रफी। महाराष्ट्र से आया हूँ जी। महाराष्ट्र से। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे आप आते हो, कितने दिन से आप आते हो यहाँ पे? हफ्ते में पहली बार। फर्स्ट टाइम आया हूँ। यूसुफ। तो यूसुफ कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र, मुंबई। मुंबई से हैं? तो कब आए थे आप यहाँ पे? देखो, आगे 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। कितने लोग आए यहाँ से मुंबई? 5 लोग आए। यहाँ आने के बाद क्या फील करते हो, कैसा लगता है? आने के बाद एकदम सुकून मिलता है, एकदम रिलैक्स मिलता, सब टेंशन हट जाता है। सब बाबा अब समझ रहे ना क्या बोलना चाह रहे हैं। हमारे साथ एक भाई साहब खड़े हैं और बात करते हैं। तो भैया, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इफ्तार। तो आप कहाँ से हैं? मैं गोंडा जिला से। हेलो, गोंडा बहराइच से। गोंडा जिला बहराइच। अच्छा, गोंडा से। तो यहाँ कब आए हैं आप? मैं दूसरी बार आया हूँ, मेरा भाई 6 महीने में आता है। हाँ, 6 महीने में आप आ जाते हैं यहाँ पे? हाँ, मेरा भाई आता है। मैं बाहर आते आए हैं। तो कब आए हैं? तेजा 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गए। हाँ। अच्छा, चलिए ऐसी बात करिए, होती रही। हाँ। कल सुबह आए आप? 3 दिन हो गया। सुबह में रवानगी है। तो कैसा देखिए यहाँ, कहाँ इंतजाम रहता है और कहाँ यहाँ रहते हैं आप? यहाँ पर हम गेस्ट हाउस में रहते हैं। देखिए यहाँ दरगाह के अंदर तो बढ़िया इंतजाम रहता है। इंतजाम रहता है, आके बहुत सारा सुकून मिलता है दरगाह की तरफ से। सही है। और सुकून मिलने के लिए यहाँ आते हैं। ये थैंक यू। ये दरगाह है। सबसे पहले INA न्यूज़ टीवी में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है कि आप लोगों ने इतना समय मुझे दिया और मैं उत्तर प्रदेश से, यानी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। और मेरा दिल था कि मैं ख्वाजा गरीब नवाज में जाऊँगा और वहाँ पर जाकर के सफ़र करूँगा। और आप देख सकते हैं ये ख्वाजा साहब का दरगाह का मेन गेट है और इसी अंदर होती है सभी लोगों की। और मैं ये भी कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि सारे लोग यहाँ पे जो है, जो गरीब लोग हैं, जो यहाँ पे बेचारे जो पैरों से लाचार हैं, उनको भी उनको ध्यान में रखा जाए। उनको खाना खिला दिया करें आप सब लोग। जिसके पैर नहीं है उसको दे दिया करें। मतलब ये समझो कि जो भी लाचार हैं बेचारा, उसकी ख्वाजा साहब का फरमान ये है कि उसकी मदद होना चाहिए, ज़रूरी है। ठीक है, तो ये एक ऐसी जगह है दरगाह, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है। 800 साल पुरानी दरगाह है ये, और ख्वाजा साहब का बहुत बड़ा, यानी बहुत बुलंद मरतबा है। एक कांटे में उन्होंने पूरा पानी को, अना सागर के पानी को कांटे में तब्दील कर दिया, और जो जादूगर था जोगी जयपाल, उसके छक्के छुड़ा दिए। ये शान है ख्वाजा गरीब नवाज। तो मैं यहीं अपनी बात को समाप्त करते हुए, आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा? जफर अली। जफर अली कहाँ से हैं? बरेली। जहाँ से? तो यहाँ कब आए हैं आप? मैं दूसरी बार आया हूँ, मेरा भाई 6 महीने में आता है। 6 महीने में आप आ जाते हैं यहाँ पे? हाँ, मेरा भाई आता है। मैं दूसरी बार आया हूँ भाई के साथ। आपका नाम जाना चाहूँगा? हारून।
शाहरुख जी आप कहाँ से हैं? एमपी से, उज्जैन। उज्जैन से हैं? तो यहाँ पे आप कितने दिन से आते हैं? मुझे तो कम से कम 8-10 चक्कर हो गए, हर 6 महीने में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं और परिवार भी आता होगा और बाकी आपके उज्जैन के लोग और काफ़ी आते होंगे? बहुत सारे आते हैं, हम 7-8 जने मतलब टूल बना के आते हैं, अच्छा लगता है मतलब। आपका नाम जानना चाहूँगा भैया। मेरा नाम दारिश खान है। कहाँ से हैं आप? फतेहपुर यूपी। यूपी से? अच्छा, तो यहाँ कब आए थे आप? यहाँ हमको हो गए 3-4 दिन, 2 दिन हुए। तो यहाँ ख्वाजा साहब की जो दरगाह है, कैसा महसूस करते हैं, कैसा लगता है यहाँ पे? अच्छा लगता है। क्या क्या फैसिलिटी है यहाँ पे और यहाँ के जो कानून है और जो इंतजाम हैं, कैसे रहते हैं? ठीक रहते हैं। जायरीनों के लिए कैसा क्या रहता है यहाँ के लोगों का? वो भी सब रहे। दरगाह की तरफ से आप लोगों का रहता है या वैसे रहता है? नहीं, दरगाह की तरफ। आपका नाम जानना चाहूँगा भाई। मेरा नाम जिलानी। तो जिलानी जी, अभी आप कुछ कह रहे थे, कहाँ से हैं आप पहले ये बताइए। कर्नाटक से। कर्नाटक से? हाँ। तो कर्नाटक के हैं, तो यहाँ पे आप आते हैं, कब से आते हैं यहाँ पे? तीसरा साल है। तो ये बताइए, यहाँ पे जो इंतजाम है दरगाह की तरफ से, तो वो कैसे रहते हैं और किसके रहते हैं? बहुत अच्छे दरगाह हैं, हर न्याज पूरी होती है जी। दरगाह बहुत अच्छे हैं, हर न्याज पूरी होती है। यहाँ पे जो इंतजाम है, जैसे कहते हैं यहाँ जो रहने का इंतजाम है और वगैरह वगैरह और भी चीज़ें रहती हैं, तो वो दरगाह की तरफ से क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलती है? बहुत अच्छी फैसिलिटी, बहुत अच्छा लगता है इधर आने से। आपका नाम जानना चाहूँगा। उमर रियाज। तो रियाज जी, ये बताइए, यहाँ पे आप दरगाह पे कब आए हैं, कहाँ रहते हैं? 10 तारीख हुआ है, यूपी के आए हैं। 12 बजे। तो यहाँ पे आए हैं आप, तो यहाँ पे कहाँ पे ठहरे हुए हैं और कैसे इंतजाम है आप? आगे यही ठहरे हुए हैं, फैसिलिटी है वन पर फिलहाल। यहाँ आटे मर रहा तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, ये थे यहाँ के जो चाहने वाले हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले लोग हैं। इनका ये कहना है कि हम हमेशा यहाँ इसलिए आते हैं कि हमारी मुरादें पूरी होती हैं और ख्वाजा गरीब नवाज राजस्थान